फ्रेंड्स, मैं हम सूर्या है और आप देख रहे हैं बॉलीवुड क्रेजीज। आज 16 तारीख है, 16 अगस्त 2017। आज किस तरह से आप लोग कमेंट्स आए हैं चलिए देख लेते हैं। और कमेंट्स विश्वजीत कह रहे हैं कि 9 करोड़ की फिल्म कमा सकती है, मैंने भी 9 से 10 करोड़ का ही प्रेडिक्शन दिया छठे दिन का, और नंबर 100% मिलना चाहिए था। मैंने सवाल उठाया आज कि क्या अक्षय कुमार को नेशनल अवार्ड मिलना चाहिए उनकी परफॉर्मेंस के लिए टॉयलेटिक प्रेम कथा के लिए। तो नंबर 1 भाई साहब कह रहे बिल्कुल मिलना चाहिए, किशोर कह रहे कि वही नहीं, सुपर डुपर हिट, 9 to 10 करोड़ कमा सकती है फिल्म टॉयलेटिक प्रेम का छठे दिन, और सुपर हिट मूवी 21 और शुक्रिया। ब्लॉकबस्टर संध्या जी ने कमेंट किया ब्लॉकबस्टर। नवनीत जी कह रहे 8.45 to 9.50 करोड़, बहुत ही ज़्यादा सही प्रेडिक्शन आप भाई दे रहे हो, बहुत ही बढ़िया तरीके से दे रहे हैं, मुझे लग रहा है शायद आपका प्रेडिक्शन सही हो सकता है। वहीद भाई कह रहे हैं 7 से 8 करोड़ हो सकता है भाई, 9 से 10 करोड़। नवनीत भाई भाई तो थोड़ी कम हो गई है ऑक्यूपेंसी तो, बट ब्लॉकबस्टर तो हुई ही होगी जी, बिल्कुल हाँ ब्लॉकबस्टर हो जाएगी मोहित भाई। 9 से 11 तक का कह रहे हैं, 9 से 11 करोड़। ध्रुव भाई कह रहे हैं कलेक्शंस कल का बराबर, ओके शुक्रिया। सूर्य एम जी ने अपना नंबर दे दिया, शुक्रिया, मैं आपको ऐड करूँगा ज़रूर। और वाहिद शाह ने भी कमेंट किया है, विशाल शर्मा अखिल को नेशनल अवार्ड मिलना चाहिए, फिल्म भी वैसे है बिल्कुल सही, और सर मुझे अपने ग्रुप में ऐड नहीं किया। विशाल भाई आप प्लीज़ अपना नंबर दे दीजिए तुरंत, मैं आपको ऐड कर दूंगा। भागीरथी पात्रा 10 करोड़ कह रहे कमा सकती है। भरत बेस्ट कह रहे मेरे हिसाब से फिल्म की अच्छा राजनीति मंत्री का सपोर्ट, अच्छा ये कह रहे कि फिल्म का राजनीति के जो मंत्री है, जो पॉलिटिक्स के जो लीडर्स हैं उनका उनसे साठगांठ है। भाई ऐसा कुछ नहीं, अक्षय कुमार ने भी ये क्लियर किया, और हो ना हो उसे हमें क्या करना, और मेरे ख्याल से जहाँ तक मुझे पता है ऐसा किसी से भी साठगांठ नहीं है, नहीं तो इसका बहुत ज़्यादा प्रमोशन बहुत ज़्यादा उस तरह से किया जाता, बहुत ही शांत तौर पर इस फिल्म का प्रमोशन वगैरह किया गया और बराबर तरह से रिलीज़ किया गया, और अक्षय ने साफ कर दिया है, और अक्षय पे आई थिंक पूरे देश को भरोसा है। शुक्रिया भरत भाई कमेंट्स के लिए। जस भाई कह रहे 7.5 करोड़ तक कमाएगी, ओके भाई, आई थिंक टुडे कलेक्शन अप्रोक्सीमेटली 9 करोड़ जी, बिल्कुल मैं भाई मुझे भी यही लग रहा थोड़ा मना ही। फ्रेंड कह रहे 6 से 8 करोड़, ओके भाई, ट्यूबलाइट और रेस को पीछे छोड़ देगी पक्का है, ये कह रहे कि टॉयलेट के ऊपर ट्यूबलाइट और रेस को पीछे छोड़ देगी, हाँ मुझे भी यकीन हो रहा है फिलहाल तो। दरबान कह रहे 9 to 11 करोड़, ओके भाई, शमशाद सैयद कह शमशेर सैयद कह बॉलीवुड एक ही फॉर्मूला, 20 करोड़ इन्वेस्ट करो 100 करोड़ कमा लो, पब्लिक गई भाड़ में, इसको पैसे से मतलब है, ये कह रहे कि बॉलीवुड में एक ही फॉर्मूला, 20 करोड़ इन्वेस्ट करो 100 करोड़ कमा लो। भाई बॉलीवुड में पिछले अगर 7-8 महीने की ही बात कर ले तो जिसने 100 करोड़ भी लगाए हैं उसने 100 करोड़ नहीं निकाल पाए, यानी जिससे 50 करोड़ भी लगाया उसने भी नहीं निकाल पाया अपने 50 करोड़, तो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं रहा बॉलीवुड इस साल का, अगर जनवरी फरवरी मंथ को छोड़ दे या मार्च की स्टार्टिंग में। बद्रीनाथ धनिया के बाद कोई फिल्म ढंग की चल नहीं पाई, ये एक फिल्म चल रही है, तो ऐसा फिलहाल कुछ नहीं। हाँ ये तो है, प्रॉफिट होता है कई सारी फिल्मों को, शुक्रिया आपके कमेंट्स के लिए। हनुगिरी कह रहे 8 करोड़ तो कमाएगी, ये तो टॉप 3 तक पहुँच सकती है, जी हाँ जो भाई एग्री हूँ मैं। संतोष कह रहे 9.40 करोड़, हर्षू कह रहे 1 to 9 करोड़, 1 to 9 करोड़, ये भी कह रहे राजकुमार भाई। दीपक मेघावल कह रहे वेरी नाइस, कृष्णा पटाया 10 to 11 करोड़, शायद 10 करोड़ तक तो जा सकता है, लेकिन 11 मुश्किल लग रहा है मुझे। दुर्वेश पाल कह रहे बादशाह हो, ओके बादशाह, जब हेलीमेट सीरियल के बारे में बताया थी कौन सा ट्रेलर बेहतर लगा, तो दुर्वेश कह रहे कि बादशाह होगा। कृष्णा पटाया दे आर जस्ट फ्रेंड नथिंग एल्स, ओके दे आर जस्ट गुड फ्रेंड नथिंग, ओके कृष्णा पटाया, आज मैंने एक वीडियो बनाया था ऋतिक रोशन और अक्षय कुमार का, ओके भाई शुक्रिया। विभुर कह रहे बिल्कुल मिलना चाहिए नेशनल अवार्ड, ओके साल के सबका बाप, ओ माय गॉड, सब गंदी वाली गाली वाला नेम है, पर ठीक है, आज जो भूमि बोलती है अक्षय कुमार से अपने आप को शाहरुख खान समझ समझो, और कोई बोलेगा शाहरुख खान काफ़ी है क्यों, हर मूवी ऐसा के देता है सब सुल्तान में भी लिए क्योंकि किंग है वो। शुक्रिया भाई जो भी कमेंट्स किया आपने, मुझे समझा नहीं प्रॉपर तो माफ़ कर दीजिए। औसम मूवी यार जी बिल्कुल, कथा बढ़िया मूवी है, कि 10 से 12 करोड़ कमाएंगे भाई, मुझे लग रहा है 10 तक जा सकते हैं लेकिन 12 मुश्किल है। इरशाद भाई कह रहे हैं ज़रूर तोड़ देगी, यानी कि मैंने एक सवाल पूछा था क्या जॉली एल बी 2 का रिकॉर्ड तोड़ देगी क्या टॉयलेट प्रेम का, तो ये कह रहे बिल्कुल, शुक्रिया भाई। जादू जी कह रहे हैं
मैंने बोला नेशनल अवार्ड मिलना चाहिए कि, तो ये कह रहे नहीं शुक्रिया भाई मोहम्मद सिद्दीक, 5 से 8 करोड़ ओके, 8.77 करोड़ बहुत ही ज़्यादा, कंफर्म इनका तो प्रेडिक्शन है, भैया आपका प्रेडिक्शन सही हुआ तो मैं आपके ऊपर अलग से एक वीडियो बना दूंगा मेरे भाई, शुक्रिया। इसको बोलते हैं डेडिकेशन, इसको बोलते हैं कॉन्फिडेंस, जो आई थिंक मुझ में भी नहीं है कि मैं इतना प्रॉपर एग्जैक्ट कलेक्शन बोल सकूँ। सब तोड़ देगी भाई, शुक्रिया आकाश भाई, प्रकाश चौहान, 11 सॉरी 14 करोड़, नहीं भाई इतना तो पॉसिबल ही नहीं है, 11 से 13, मुझे मेरे को लगा कम होगा, दीपक भाई थोड़ा सा कम होगा मुझे लग रहा है, विवेक नाइस, देखते कितना टाइम बचा है वीडियो में, काफ़ी वक्त है, 5 मिनट है। अजय कोहली 6 से 7 करोड़ ओके, अच्छा संतोष कहें 9 से 11 करोड़, सनी कहें 9 करोड़, 9.90 करोड़ भाई बहुत सही है ये तो, जिसे हम कुछ सामान खरीदते हैं 9.999 वैसा, अब बताए भाई शुक्रिया। अजय कह रहे यस भाई 100% 12 करोड़ कमाएगी, देखते हैं भाई अगर कमाए तो अच्छी बात। शुदा भाई अमेरिका में ऐसा है कि वहाँ के सब अमीर है, हाँ वो तो भाई अमीर है ही है, अपने इंडिया में क्या नहीं है जो इंडिया में गरीब है, अपने इंडिया में कोई गरीब नहीं है, दिल के सभी अमीर है, गरीब पैसों से भले हो सकते हैं पर दिल के सब अमीर है, जो आई थिंक अमेरिका में भी नहीं है, इससे बेहतर आंसर मैं नहीं दे सकता हूँ कुछ संतोष भाई। और एक सबसे बड़ी चीज़ कि हमने 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ था, तो उस हिसाब से हम काफ़ी ग्रोथ कर रहे हैं, अगर मैं ओवरऑल जनरली बात करूँ तो। शुक्रिया आपके कमेंट्स के लिए, बहुत अच्छा सवाल है संतोष भाई। महबूब बादशाह कह रहे हैं 11 करोड़ तक कमाएगी, थोड़ा सा मुश्किल, मोहन शाह 10 करोड़ तक जा सकता है, खिलाड़ी कुमार तो भाई अक्षय कुमार के नाम है, शुक्रिया 11 करोड़ तक जा सकता है, विजय अक्षय को अवार्ड अच्छा मिलना चाहिए, वो अवार्ड और सब मूवीज ग्रेट, शुक्रिया। देशपांडे जी कह रहे हैं बता रहे कि उनको क्या क्या सीन अच्छा लगा, जो एक एंग्री वाला सीन था जब टॉयलेट टूट जाता है, टॉयलेट एक पे था फिल्म, एक पे था फिल्म में, तो वो सीन उनको अच्छा लगा, शुक्रिया। मैक्सिप ने नंबर दिया था, मैंने उनको ऑलरेडी ऐड किया, और जो मेरे व्हाट्सअप में ऐड होना चाहते हैं, जिन्हें सही में फिल्मों के बारे में जानते हैं, जानकारी रखना चाहते हैं या जुड़ना चाहते हैं, वही जुड़े, क्योंकि कई लोग बिना मतलब के जुड़ रहे हैं और उसके बाद लेफ्ट हो रहे हैं या मुझे निकालना पड़ रहा है, जो गालियाँ वगैरह उस तरह से अगर जो देना चालू कर देते तो। और सीधी सी बात है, आप खुद की भी डिसरिस्पेक्ट मत करवाइए, मेरी भी नहीं करवाइए, अगर आप सही में बॉलीवुड लवर है, फिल्म में फ़ैन हैं, तो ही आप अपना नंबर दीजिए और मैं आपको ज़रूर ऐड करूँगा। शुक्रिया अमनदीप, यस यस मतलब मिलना चाहिए अवार्ड मैक्सिप, हाँ मिलना चाहिए, ब्लॉकबस्टर होगी ये फिल्म, जी हाँ टॉयलेट करूँगा तो पक्का ब्लॉकबस्टर होगी। ये कह रहे कि तुम झूठे हैं सूर्या भाई, तुम अक्षय के चमचे हो, भाई मैं चमचा होता तो अच्छी बात होती, मैं तो वैसे किसी का चमचा नहीं हूँ, मैं तो जनरल ही जो न्यूज़ आती है वो सुनाता हूँ, चाहे जब हेलीमेट सीरियल हो चाहे ट्यूबलाइट हो, मैंने हमेशा फिल्मों पे बहुत ज़्यादा फोकस किया है, इसलिए कई लोगों ने मुझे अलग अलग एक्टर से जोड़ के रखा है, बट ऐसा कुछ नहीं है। अब मैंने तो बात करता हूँ अगर मैं दंगल की, तो दंगल का मैंने महीनों महीनों कलेक्शंस बताया, अपडेट्स बताया, तो कई लोगों ने मुझसे कहा तुम आमिर खान के चमचे हो, ऐसा कुछ नहीं है, मुझे जनरली जो न्यूज़ पता चलती है मिलती है मैं ज़रूर बताता हूँ। समीर भाई कह रहे हैं नेशनल अवार्ड ज़रूर मिलना चाहिए, शुक्रिया भाई। अंजू देव कह रहे हैं सर को इस बार दोबारा नेशनल अवार्ड मिलना चाहिए, बेस्ट चक्कर, जी हाँ सॉरी नेशनल अवार्ड मिला अक्षर को, जी बिल्कुल, शुक्रिया आपके कमेंट्स के लिए अंजू। सलमान अमीर बेस्ट फ्रेंड सेम ऋतिक अक्षय बेस्ट फ्रेंड, शुक्रिया। टॉयलेट एक नंबर ब्लॉकबस्टर आपकी, मॉडर्न किंग ऑफ बॉक्स ऑफिस, बहुत सही टाइटल दिया, मॉडर्न किंग ऑफ बॉक्स ऑफिस आपकी, शुक्रिया 100% श्योर है, यानी कि मिलना ही चाहिए। अर्जुन भाई कह रहे हैं नेशनल अवार्ड बस का मिलना जो चाहिए, मोहन जी कह रहे थे, चौहान तेजेश्वर कह रहे टॉयलेट एक नंबर था, अच्छा ठीक है तारीफ कर रहे टॉयलेट एक नंबर था कि चौहान भाई, शुक्रिया नाइस सबका मूवी ओके ठीक है, शुक्रिया भाई संतोष भाई। जासा थर्ड पोजीशन पर रहेगी, रईसो काबिल खान काबिल को नहीं बीट कर पाएगी, मेरे ख्याल से रईसो काबिल को भी बीट कर सकती है, मैं भी कंफर्म नहीं बोल सकता एजाज भाई, कुछ भी हो सकता है, फिल्म बहुत बढ़िया चल रही है, जरूर मिलना चाहिए। दिलबान भाई कह रहे हैं भगवान दास ये मूवी 100 करोड़ का, ओके इन्होंने तो अपना टाइटल रख दिया है, तो बिल्कुल कमाएगी मूवी, अक्षय कुमार के बहुत बड़े फैन लग रहे हैं अभी। चलिए लास्ट मिनट है, मंजू ताड़ा मिलना चाहिए नेशनल अवार्ड, शुक्रिया। MSG के ऊपर जो मैंने वीडियोस बनाया था, उन्होंने कहा कि कोई भी इनकी फिल्म चलती नहीं है, भाई उनके जो भक्त है वो तो काफ़ी हद तक मेरे ख्याल से देखते हैं, शुक्रिया एजाज भाई कमेंट के लिए। इमान गवाह भागीता पात्रा मयंक सिर पर जो है ओबियस प्रभात ये सूर्या,
तो आप देख रहे हैं कि मुझे इतने सारे कमेंट्स इसलिए आते हैं क्योंकि मैं इन सभी को रिप्लाई करने की कोशिश करता हूँ, आप लोगों से जुड़ा रहता हूँ। इसी तरह आगे भी आप लोगों से कमेंट से जुड़ा रहूँगा, मैं आपके अपडेट्स का रिप्लाई करते रहूँ कमेंट्स का। और वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया। अगर आपको अच्छा लगा तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए फिलहाल इतना ही, बाय बाय।